जो पानी नहाने लायक भी नहीं मजबूरन उस नाले के गंदे पानी को पी रहे हैं। ग्रामीण बूढ़ा गोठरा गांव से आई मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर कलेक्टर यहां आकर तो देखे। खबर कराहा से है, जहां विकासवादियों के बीच कराहा जनपद के ग्राम पंचायत गोठरा के अमानवीय दृष्टिकोण का मामला सामने आया है। यह सिस्टम की लापरवाही के चलते बूढ़ा गोठरा के ग्रामीण नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। यहां छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं बर्तनों में नाले से गंदा पानी भरकर ले जाती है और घर में सब इसी पानी को पीते हैं और इसी गंदे पानी से खाना भी बनाते हैं। गोठरा पंचायत सरपंच सचिव द्वारा बूढ़ा गोठरा गांव में निवासरत 7 परिवारों की बस्ती को स्वच्छ पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजारने वाले बूढ़ा गोठरा के इन बिलाला पटेलिया समाज के लोगों पर बारिश में और ज्यादा कहर टूट पड़ता है, क्योंकि बारिश में इनके गांव का संपर्क सभी जगहों से टूट जाता है। एक तरह से ये गांव टापू बन जाते हैं, जिससे बच्चे तक पढ़ने नहीं पहुंच पाते हैं, ना ही कोई शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने आ पाते हैं। इस परेशानी की मूल वजह भी पंचायत की लापरवाही और अनदेखी है, क्योंकि जो कच्ची सड़क इनके गांव तक पहुंचती है, वहां दोनों ओर से ही नदी का पानी आ जाने से जलमग्न हो जाती है। पंचायत ने कभी इस बड़ी समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब से 2 वर्ष पहले गोठरा से गढ़ला सड़क पर जुमला पटेलिया के खेत के पास एक रपटा स्वीकृत भी हुआ था, जिसे भी आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। यदि समय रहते वह निर्माण कार्य पूरा हो जाता तो इन बस्ती वालों का संपर्क बारिश में अन्य गांवों से नहीं टूटता और इनकी मुसीबतें कुछ कम हो जाती। बूढ़ा गोठरा गांव में ना आंगनबाड़ी केंद्र है और ना ही शासकीय राशन की दुकान है और निस्वार्थ की कोई सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। राशन लेने 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर लोगों को जाना पड़ता है। छोटे बच्चों और प्रसूताओं को टीके लगवाने तक दूसरे गाँव में यहाँ ग्रामीण जाते हैं या आशा और उषा कार्यकर्ता तक नहीं आती है। ग्रामीण बोली, बस से बदतर हालत में जानवरों से भी घटिया जीवन जी रहे हैं हम, कोई हमारी नहीं सुनता, अब शोपुर कलेक्टर से शिकायत करेंगे। देखिए कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका सकुड़ी जी, ये आप जो गंदा पानी किस भर रही है, क्या बात है? गंदा पानी भरना पड़े सर, पानी नहीं, व्यवस्था नहीं है, क्या करे, बोर की लाइट भी नहीं आ रही। अच्छा, हेडपम्प नहीं है इस गांव में? हेडपम्प तो ये नहीं है, वो खराब पड़े। तो आप ये गंदा पानी पीकर बीमार नहीं होंगे क्या? बीमार हो, बच्चे बीमार है, हम खुद भी बीमार है। अच्छा, तो आप जो पूरा गांव ये गंदा पानी भरता है? गंदा पानी भरना पड़ रहा है और पीना पड़े पानी। ये तो ये पानी तो नहाने लायक भी नहीं है, आप इसे पी रहे हैं? अब नहा भी रहे और पी भी रहे, खाना भी बन रहे। हमको स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है पंचायत में? नहीं मिल रहा है पंचायत, कोई सुविधा नहीं कर रही हमारे पास, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। नहीं, इस गंदे पानी से बीमार नहीं होंगे बच्चे आपके और आप स्वयं भी? अब बीमार तो हो रहे हैं, तो क्या करे, डॉक्टर का पेट भर रहे हैं पूरे। आपका देवला साहब? देवला, क्या परेशानी है इस गांव में? ये गांव में तो पूछे जाए तो भाषा समस्या की, मान लो कि बहुत हालत है यहाँ गांव की। और दूसरी बात है, मान लो कि सरपंच और सेक्रेटरी के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, और उनको बोलेंगे तो मान लो कि कर रहे करते करते आज 3 साल हो गए। और ये रपटा अपन माने हुए रपटा, ज्यादा नहीं तो 4 दिन में बन जाए इतनी रपटा, लेकिन 4 साल हो चुके हैं इसको। 4 दिन की चीज को 4 साल में बनाया जाता है, जबकि ये आपकी मुख्य रोड है। ये मेन रोड, मान लो अपन जैसे गड्ढला जाएंगे ना तो वो भी रास्ता यही है, बरगवा जाएंगे तो भी ये रास्ता है, और यहाँ से आदमी अपन मान लो कहीं भी जाएंगे तो भी ये रास्ता है। उधर तो नंदी आ जाती है, तो इधर से निकलना पड़ता है हमको। तो यानी आपका गाँव गिर जाता है? हाँ, गिर जाता है सर। निकलने का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। बच्चे बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कैसे? तो वो तो बरसात में नो मान लो कि मर चुका हो, यूं मान लो तुम फिर। अच्छा, कोई उसका फिर वो इलाज करने का कोई नहीं है मान लो। तो एम्बुलेंस आती है? हाँ। तो क्या माना कि आपके गांव को क्या, यूं मान लो कि हम सबसे पिछड़ा हुआ गाँव, यूं मान लो। अब आगे जाके हम पूछेंगे तो मान लो कि हमारे गाँव का कोई आगे नाम ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पंचायत में तो गोठरा गोठरा रह जाते पूरा काम, और ये बूढ़ी गोठरा है तो बूढ़ी गोठरा में कुछ काम ही नहीं है। तो आज भी सरपंच ने भी नहीं सोचा कि आज वो वोट लिया होगा ना, जब से आज भी सरपंच नहीं है गांव में आके नहीं घुमा के पंचायत में, ये परेशानी है। वोट लेने आते? हाँ, वोट लेने आते हैं। ये रास्ते में अभी कुछ बच्चियां पानी भर रही थी, क्या पानी है? पानी की समस्या नो मान लो कि यहाँ पर ना तो सिंगल फेस की मोटर है, पूरी जो आपने लगा रखी है खेतों में लगा रखी है, तो वो 3 फेस लाइट आएगी तो पानी पीने का मिलेगा। और बाद बाकी ने तो बरसात में है ना जो लाट फाल्ट हो जाती है, तो 5 दिन 8 दिन तो नाला का पानी पियो। तो बच्चे पानी भर रहे थे नाले का पानी? हाँ, नाले का। आप साहब तो नाले का पानी पी रहे हैं यहाँ के लोग? हाँ, अभी मतलब 2-4 दिन से लाट बंद है,
तो नाले का पानी पी रहे हैं। सरपंच को तो अमन ने बुला सका लेकिन सरपंच नहीं आया हमारे बुलाने से। अब वही रास्ता रह गया अगर मन सोपुर जाके उससे बात कर सकते हैं। कलेक्टर साहब से शिकायत करोगे आप? हाँ वही अब बात रहेगी। मान लो कि ये गांव में इतनी हालत है, मतलब एक बार कलेक्टर साहब यहाँ पर आ जाए और ये मौका पे देख जाए तो और बढ़िया रहे। यूँ देखने चाहते हैं। तो मजदूरी जॉब कार्ड है क्या तुम्हारी पंचायत में? जॉब कार्ड तो कोई कोई के पास है और नहीं तो नहीं है। कितने लोग रहते हैं इस गांव में? यहाँ में तो करीबन 50-60 घर की बस्ती है। मतलब अच्छा, तो कितने लोगों के पास जॉब कार्ड होंगे? ये मान लो कि ज़्यादा नहीं, तो पहले वो तो बहुत साल हो गए जब उसके हमारे बने होंगे लेकिन और दूसरे के मतलब नहीं बने उसमें। अच्छा, तो क्या मजदूरी करते हो आप पंचायत में नरेगा में? नरेगा के कामों मजदूरी करते हो क्या आप? नहीं नहीं सर। अच्छा हाँ, क्या पालन पोषण कैसे करते हो परिवार का? ये तो मान लो कि बरसात खुलने के बाद बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे कोई वो नहीं है आपका लालन पोषण के लिए? कोई रोजगार नहीं है? नहीं रोजगार नहीं है साहब। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोल है क्या? कंट्रोल गोठरा पड़ती है साहब। कितने किलोमीटर है गोठरा? 3 किलोमीटर साहब। तो राशन कार्ड कितने लोगों के पास है? राशन कार्ड तो हर घर के पास है साहब। अच्छा, तो राशन लेने कहाँ जाते हो आप? गोठरा जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर दूर जाते हो? हाँ, राशन लेने। हाँ, अभी बरसात में कैसे जा रहे हो? बरसात में भी मान लो कि रुक रुक के, फिर मान लो पानी या रास्ता साफ होने के बाद जाना पड़ता है, नहीं तो वो भी पैदल ले जाते, नहीं तो नहीं। अच्छा, यानी राशन नहीं ले पा रहे हो? ना राशन नहीं ले पा। आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पे? आंगनवाड़ी तो नहीं है साहब। आपके गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है? नहीं है साहब। कितने बच्चे हैं यहाँ जो पढ़ाई करते हैं? यहाँ 30-40 तो गांव के स्कूल में है। हाँ। और 20 जाते हैं गोठरा में, 8वीं में, वो 7वीं में, 6वीं में। अच्छा, ये प्राथमिक विद्यालय है यहाँ? हाँ। अच्छा, प्राइमरी वाले यहाँ पढ़ते हैं? हाँ। तो ये जो गांव से बाहर जाते हैं, ये जाते हैं क्या बरसात में? ये बरसात में तो मुश्किल जा पाते हैं साहब। अच्छा, यानी ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं? हाँ। और ये गाँव के स्कूल में आते हैं पढ़ाने शिक्षक? वो तो वो भी मान लो कि जो पानी बरसा तो वो भी बंद है मान लो, यानी बरसात में वो भी स्कूल नहीं आ। हाँ, तो बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है? बच्चों की कहाँ पढ़ाई हो पाएगी सर, यूँ क्योंकि जैसे मान लो कि रास्ता साफ होगा जब वो आ जाते हैं वार्ड साहब। हाँ, दूसरा एक पानी की जो व्यवस्था है, पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ? कोई स्कीम चल रही है क्या जो जल संवर्धन योजना है यहाँ? तो जल योजना के दिन मान लो कि सर जो स्कूल पे है ना, वो भी हमने पहले के मतलब मोटर डलवाई थी तो वो 1 महीना मात्र चलाई थी उसने। अच्छा, तो वो भी मोटर बंद है जाने, वो अंदर कैसे डरीर कैसे नहीं, मतलब वो भी मोटर चालू नहीं है। और जो रोटी वाली आती है ना, वो मोड़ मोड़ी को खिलाने वाली, वो घर से पानी लेके आती है, वो भी नाले का। पटेलिया पटेलिया कौन सा गाँव है ये? बूढ़ा गोठरा। क्या परेशानी है इस गाँव में साहब? देखो यहाँ पे ये मान लो इतना मेन रास्ता है, 3 साल हो गए नीम खोदते हुए और फिर भी मतलब निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से, और इतना परेशानी है, गाड़ियाँ फंस जाती है, ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं, और कहीं बीमारी हो जाए कहीं भी डॉक्टर में ले जाने में इतनी परेशानी आ रही भयंकर। कितने लोग, कितने घर हैं इस बूढ़े कोठरा? यहाँ पे सब 50-60 घर की बस की है। अच्छा, और ये जो रपटा सामने आप बता रहे हो, ये कब बनाया गया था? ये 3 साल हो गए साहब। अच्छा, 3 साल हो गए। तो 3 साल से ये अधूरा पड़ा है? अधूरा पड़ा है, पार साल तो चुनाई हुई और ऐसी मतलब पाइप डाल मतलब रख गए, डल नहीं पाए। तो मतलब आज तक ये डल ही नहीं पाए? नहीं डला। आपके गांव तक आने के लिए रास्ते कौन कौन से हैं? यहाँ पे आने के लिए गड़ला मेन रास्ता तो ये बरगवा के लिए तो ये है। अच्छा, और गोठरा के लिए तो उधर नंदी वाला है। तो वो रास्ता भी बंद है बरसात में? वो भी बंद है। कैसे आ जा रहे हैं आप लोग फिर? बड़ी परेशानी, अभी गाड़ी इधर की इतना पानी है सीधे निकल उधर जाओ तो आप लोग क्या करें साहब, इतनी मजबूरी है कि चल नहीं पा रहे हैं इधर से इधर। मरीज अगर जो मान लो ना, तो गाड़ी है ना कुछ भी नहीं, उठा के ले जाना पड़ता है। क्या कर रही है पंचायत सचिव, आते हैं कि नहीं आते हैं देखने? आते हैं साहब कभी कभी, फिर इसके बाद में तो ये मान लो कोई नहीं आ रहा बारिश में। तो मतलब ये जो सचिव सरपंच और जो सहायक सचिव होते हैं पंचायत में, उन्होंने इस परेशानी को नहीं देखा कभी? देख तो रहे हैं लेकिन कह भी रहे हैं फिर चालू नहीं कर